अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अनीना नेक्स्ट व्लॉग। बात की जाए लाखों दिलों पर राज करने वाले किंग खान की, शाहरुख खान पड़ गए हैं बहुत बड़ी मुश्किल में। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के लिए लोगों ने आवाज उठाई, यहां तक कि सड़कों पर उतर आए। दीपिका ने ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी है, जिसे हिंदू धर्म के लोगों ने कहा ये हमारा कलर है। शाहरुख खान दीपिका ने हमारे धर्म के कलर को की बेइज्जती की है। इस गाने को रिलीज नहीं होना चाहिए और ये मूवी नहीं चलनी चाहिए। इस मूवी पर रोक लगाने के लिए मुसलमानों ने भी बहुत आवाज उठाई है। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष का कहना है कि जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने बिकनी ड्रेस पहनी है, दोनों पक्ष का ये भी कहना है कि दीपिका पादुकोण ने सॉन्ग में बहुत ज्यादा अश्लीलता दिखाई, लेकिन शाहरुख खान दीपिका पादुकोण को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। पिछले दिनों शाहरुख खान उमरा के लिए गए थे, लेकिन वो उमरा नहीं था उनका, वो अपनी फिल्म के शूट के लिए वहां पहुंचे थे। उन्होंने सोचा कि लगे हाथों दुनिया दिखावे के लिए उमरा भी कर लें, लेकिन इस तरह से उनका उमरा नहीं होता। एक तरफ वो दीन की बातें करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो ऐसी अश्लीलता बिखेरते नजर आ रहे हैं। ये इस तरीके से मुसलमान हो ही नहीं सकते, इन्होंने मुसलमान होने का नाम गंदा किया है। पठान लोगों का कहना है कि शाहरुख खान असलियत में पठान नहीं है, वो सिर्फ अपने नाम से सरनेम पठान लगाते हैं। बॉलीवुड में काफी ऐसे हीरोज हैं जो खान लगाते हैं, लेकिन असलियत में वो पठान नहीं है। पठान लोगों का ये कहना है कि प्लीज इनके नाम के साथ हमारा नाम मत जोड़ें। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष का कहना है कि इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। बॉलीवुड से जुड़े सब एक्टर्स का धर्म सिर्फ पैसा है। आपका क्या कहना है पठान मूवी के बारे में तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।